जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए राहुल गुप्ता में। दोस्तों आईटीआर का टाइम आ गया है, 31 मई लास्ट डेट है टीडीएस रिटर्न भरने की। क्यों मैं टीडीएस रिटर्न भरने की लास्ट डेट बता रहा हूं? इस डेट तक क्रिप्टो एक्सचेंजेस और जो भी आपके बैंक से इंटरेस्ट या किसी भी बंदे से आपका टीडीएस कुछ किसी भी सेक्शन में टीडीएस कटा है वो रिपोर्ट हो जाएगा और फिर आप फर्स्ट वीक ऑफ जून से आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अब अपने को करना क्या है सर, अभी हम क्या करें सर? सबसे पहले आप क्रिप्टो एक्सचेंज से अपनी ट्रांजैक्शंस डाउनलोड कर लो। क्रिप्टो एक्सचेंज से जब आप ट्रांजैक्शंस डाउनलोड कर लोगे, आप सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस से ट्रांजैक्शंस डाउनलोड करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रांजैक्शंस तो करी है चार एक्सचेंजेस पे और आप रिपोर्ट डाउनलोड करके दे रहे हो एक या दो एक्सचेंज की, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपने पैसा बैंक अकाउंट में विड्रॉ किया है तभी आपको टैक्स देना है, ये धारणा नहीं है। अगर आपने कोई भी क्रिप्टो का मॉड्यूल चेंज किया है, आपने यूएसडीटी से बीटीसी खरीदा है, बीटीसी से डॉजी खरीदा है या कोई भी और कॉइन, किसी भी कॉइन को बेच के आपने खरीदा है, इट मीन्स यू आर एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है अगर आपने क्रिप्टो के एक्सचेंजेस में ही ट्रांजेक्शन की है और कोई पैसा बैंक में विड्रॉ नहीं किया है, तब भी आपको आईटीआर डालनी है। आईटीआर की लास्ट डेट क्या है सर? आईटीआर की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024। जो भी पैसा आपने अप्रैल 23 से मार्च 24 में कमाया है उसका टैक्स आपको और इनकम टैक्स की रिटर्न आपको 31 जुलाई 2024 से पहले पहले भरनी है। अब हमने क्रिप्टो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस डाउनलोड कर ली, हमें एक सॉफ्टवेयर कॉइनएक्स या और कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो ट्रांजैक्शंस आपको पुश करनी है। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? आपकी सेल डेट सेल अमाउंट, परचेज डेट परचेज अमाउंट, प्रॉफिट, ये पांच चीज़ें हमें निकाल के देगा। वो हर ट्रांजैक्शन वाइज निकाल के देगा। जब जब आपने कॉइन का मॉड्यूल चेंज किया वो तब भी निकालेगा, जब आपने बैंक में विड्रॉ किया वो तब भी निकालेगा। अगर प्रॉफिट है तो 30% टैक्स क्रिप्टो टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग, अगर लॉस है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा और वो ऑफसेट नहीं होगा। सेम कॉइन आपस में भी ऑफसेट नहीं होंगे, अगर दूसरे कॉइन्स हैं, सेकंड कॉइन था उसमें लॉस था, फर्स्ट कॉइन में प्रॉफिट था, वो भी आपस में सेट ऑफ नहीं होगा। किसी भी कॉइन का, किसी भी कॉइन से कोई प्रॉफिट एंड लॉस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पर ट्रांजैक्शन चलना है, हर ट्रांजैक्शन को देखना है, जिस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट है उस पर टैक्स देना है, जिस ट्रांजैक्शन में लॉस है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फ्लैट 30% टैक्स देना है प्रॉफिट्स के ऊपर। तो आइए दोस्तों अपनी क्रिप्टो की आईटीआर फाइल करनी स्टार्ट करें। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, हमारी टीम के साथ आप जुड़ना चाहते हो तो मैंने मोबाइल नंबर स्क्रीन पे लगा दिया है, आप इन दो नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हो और हमारी टीम से कोई ना कोई बंदा आपको हेल्प करेगा। टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अवेलेबल रहेगा। आइए लेट्स स्टार्ट द आईटीआर फाइलिंग। जय हिंद। लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन यू मीट इन योर लाइफ, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything but everybody knows something, and education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.